वादा कर कभी बाड़ी की तरफ नहीं देखेगा, कर वादा, ना अपनी माँ की तरफ ना अपने अतीत की तरफ, वादा कर। और पुचकी, पुचकी से किया वो वादा? नए जन्म में पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती है शांतनु, ये नया जन्म है तेरा। मैं वादा करती हूँ कि पुचकी को तेरी अमानत समझ के मैं संभाल के रखूंगी। कभी एक वादा तू कर, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कर वादा, कर वादा। क्या करें आप, उठिए प्लीज। आपने मेरी बेटी को बचा लिया सर। अरे उसमें क्या है, बच्ची है, शांतनु की दोस्त है और बहुत नेक, एकदम परी जैसी मासूम, सुंदर, चंचल, सब भाड़ी की लड़कियों से बिल्कुल अलग। श्लोक बोल लेती है और अच्छा गाती है। अच्छा, अच्छा। सर कथक भी सीख रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड गुड। सर सुनिए ना सर, सर सर इलाज तो आप करवा ही रहे हैं, ठीक भी हो ही जाएगी, आप एक एहसान और कर दीजिए ना मुझ पर। सर शांतनु के साथ साथ मेरी पुचकी को भी गोद ले लीजिए ना। अभी खतरे से बाहर है, थोड़ी देर बाद आप उससे मिल सकते हो। मेरी पुचकी ठीक हो गई माँ, मेरी पुचकी ठीक हो गई। जय माँ काली। अर्पिता कहाँ गई? या आप क्या कह रही हैं? आप शायद समझ नहीं रही। मैं सब समझ रही हूँ सर, आपको सोना गाची के ठप्पे का कलंक का डर है ना सर, पर हम वहां से नहीं है सर, मैं अच्छे घर से हूँ, पढ़ी लिखी हूँ सर, वो तो धोखे से मेरे पति ने मुझे वहां भेज दिया था, और सर मेरी बेटी बाड़ी में पैदा हुई, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है सर। मुझे दुख है इस बात का, मेरी हमदर्दी आपके साथ है, पर तो ले जाइए ना उसे सर, सर आपका घर खेल उठेगा, बहुत प्यारी बच्ची है, और अगर दोनों बच्चों को गोद नहीं ले सकते तो सर मेरी पुचकी को गोद ले लीजिए। सर आप मुझे गलत मत समझिए, पर शांतनु लड़का है, उसे वाणी में कोई तकलीफ नहीं होगी। सर मेरी पुछ की लड़की है, उसे वहां नोच खाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे भीतर में भीख मांगती हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ले जाइए ना उसे से दूर सर, प्लीज ले जाएंगे ना आप उसे। आप उठिए पहले सर, आप नेक आदमी है, उस पर ही एहसान कर देंगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है। आप जो भी कुछ कह रही हैं सब ठीक है, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, आपकी बेटी बहुत अच्छी होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है उसके अच्छे होने पर, लेकिन जुबान की भी कोई कीमत होती है। मैं चंदा से वादा कर चुका हूं कि मैं शांतनु को ही गोद लूंगा, और मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं शांतनु को गोद ले रहा हूँ, तभी तो आज मैं आपकी बेटी के काम आ सका। सर बस एक बार सोच कर तो देखिए सर। मेरा फैसला हो चुका है, अब मेरे घर शांतनु ही बेटा बनकर आएगा। मैं वादा कर चुका हूँ, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सर, सर एक बार सुनिए।
मैं जानती हूँ मैंने ठीक नहीं किया, मैंने उन्हें शांतनु की जगह पुचकी को चुनने को कहा। एक माँ की बेबसी आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है दीदी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरी हालत में समझ सकती हूँ, तेरी तरह मैं भी एक माँ हूँ। माँ कभी गलत नहीं हो सकती, अपनी औलाद के मामले में तो कभी नहीं। गलती हो गई दीदी, एक बार फिर अपनी फूटी किस्मत के सामने लड़ने की गलती हो गई मुझसे। तू चिंता मत कर, ना अपना मन छोटा कर, मुझकी को भी सोनागाजी से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अभी चल उसको बाहर लेकर आ गए। चल बेटा, तुम्हारी दोस्त अब बिल्कुल ठीक है, जल्दी वो घर भी जाएगी। अब हम भी अपने घर चलें, बहुत देर हो चुकी है, वहां तुम्हारा नया परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चलें। शांतनु, इनकी तबीयत में काफी सुधार आ गया है, लगता है थोड़ी देर के बाद इन्हें होश भी आ जाएगा। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ और उन्हें इन्फॉर्म करो। देखा, तुम्हारी दोस्त अब बिल्कुल ठीक है, खुश हो ना अभी तुम? हाँ, चले। मामा, क्या मैं अपनी दोस्त से एक बार मिल सकता हूँ? सिर्फ एक बार, प्लीज। ठीक है। धन्यवाद। पुचकी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? वो आराम कर रही है। जी सर, इसे मिलने लीजिए, मैंने डॉक्टर से परमिशन ले ली। ठीक है। शांतनु। हाँ पुचकी, मैं यही हूँ तेरे साथ, बोलना, आंखें खोलना पुचकी। मुझे पता है, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। पर आज मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ पुचकी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो तेरा इलाज करवाता, या तो तुझसे अलग रहता। माँ ने कहा मैं से किसी एक को ही चुनना होगा, मैं क्या करता? हम अलग हो जाएंगे, पर ठीक तो हो जाएगी ना मुझकी? समझ हो ना। सॉरी। मुझे जाना होगा, सारा मस्ती मत करना, ध्यान लगा के पढ़ाई करना अच्छे से।
छोटी माँ की हर बात सुनना। अब तुझे डांट से या मार से बचाने के लिए तेरे शांतनु नहीं होगा। समझ गई ना बुझकी?
मुझे नहीं जाना। बाय बाय पुजकी, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। पुचकी बेटा शांतनु तो छोटी माँ को शांतनु शांतनु छोटी माँ बोलो पुचकी धीरे पुचकी बेटा आराम से छोटी माँ शांतनु को बोला पुचकी बेटा शांतनु चला गया हमेशा के लिए। बेटा बेटा देख तेरे लिए ये छोड़कर गया। पुचकी पुचकी बेटा लग जाएगी। सिस्टर सिस्टर पुचकी बेटा रुक। रोया नहीं करते और बहादुर लड़के तो कभी नहीं रोते। शांतनु बहादुर लड़का है ना, है कि नहीं? तो फिर आज से शांतनु कभी नहीं रोएगा, नहीं रोएगा ना? गुड बॉय।